आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय के तहत सत्ता की साझेदारी अध्याय एक का अध्ययन करेंगे कि सत्ता की साझेदारी है क्या। सत्ता मीन्स क्या है, यानी शासन। शासन में जो पावर होते हैं, शक्ति होती है, उसको किस प्रकार बांटा गया है और उस बटे हुए शक्तियों को जिन जिन संस्थाओं में शक्तियां बांटी गई हैं, किस प्रकार ये आपस में मिलजुल कर कार्य करती हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि सत्ता की साझेदारी। देखिए, लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जिस भी देश में है, जहां भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसके उचित कार्यप्रणाली के लिए, यानी सही ढंग से कार्य उसके हो सके, उसके लिए राज्य ने तीन अंगों का वर्णन किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी अच्छे प्रकार से राज्य का कार्य चल सके, शासन व्यवस्था चल सके, इसके लिए राज्य में तीन प्रकार की संस्थाओं का विकास किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये तीन अंग है, तीनों अंगों का अलग अलग कार्य है, तीनों अंगों का क्या है, अलग अलग कार्य है, ताकि देश या राज्य की शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से चल सके। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है, कानून निर्माण संबंधी कार्य है। व्यवस्थापिका क्या करती है, किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है, वो कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून का क्रियान्वयन संचालन करती है। कार्यपालिका सरकार जो होती है, संसद में कानून बनता है और सरकार उसको क्या करती है, तो कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है और संचालन करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की रक्षा करने का कार्य करती है कि अगर कोई व्यक्ति बनाए गए कानून का अगर उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध आचरण करता है तो दंडित करने का कार्य करता है और उस कानून की रक्षा करने का कार्य करता है, कौन, न्यायपालिका। तो ये तीन अंग हैं, तीन संस्थाएं हैं जो किसी राज्य की शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा कार्य साझेदारी करती है। देखिए आगे, सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित है। सत्ता की साझेदारी का विचार क्या है, अविभाजित है, राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का मांग करता है, यह समझने के लिए यहां बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी को समझाया गया है। अब हम सत्ता की साझेदारी के बारे में समझना है, तो बेल्जियम के देश के सत्ता की साझेदारी के बारे में समझेंगे और श्रीलंका में किस प्रकार कैसे सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम। बेल्जियम एक राष्ट्र है। बेल्जियम क्या है, एक राष्ट्र है, एक देश है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। छोटा सा कहने का तात्पर्य है कि सात महाद्वीप है नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी यूरोप में यह बसा हुआ है, एक छोटा सा राज्य देश है बेल्जियम। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, बेल्जियम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अपने यहाँ का एक राज्य हरियाणा राज्य जानते नहीं जानते, उससे भी छोटा है। इतना छोटा देश अपने यहाँ जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा राज्य है या देश है। इसकी सीमाएं, बेल्जियम राष्ट्र की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से सटी हुई हैं। बेल्जियम की सीमाएं इन देशों से सटी हुई, जैसे भारत का सीमा नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, इन देशों से सटा है, नहीं सटा है, उसी प्रकार बेल्जियम का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र के किनारे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देश पड़ते हैं। आगे देखिए,
बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की आबादी की कुल यानी बेल्जियम देश की आबादी का कुल 59% यानी 59% लोग फेलमिश क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ एक क्षेत्र फेलमिश, कितने परसेंट लोग रहते हैं? 59% डच बोलने वाले। डच, आप लोग डच का नाम सुने होंगे, पहले भी बताए थे हम कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था? डच ही आए थे, डच डच जात के लोग। उसके बाद पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश सबसे अधिक समय तक यहाँ अधिकार किया था। ठीक, तो कुछ फेलमिश में रहते हैं और डच भाषा के लोग कहाँ थे, फेलमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। तथा 40% लोग, 59 उधर हो गए और 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में, बोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच इंग्लिश होती नहीं होती है, ये फ्रेंच बोलते हैं फ्रांस, और वो लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 40% जनसंख्या क्या बोलती है इतने छोटे छोटे देश में? 59% डच बोलती है और 40% फ्रेंच बोलती है। इस देश के मात्र 1% लोग, 59 उधर हो गया, 40 इधर हो गया, कितना हो गया? 99। ठीक, और 1% लोग सिर्फ जर्मनी भाषा बोलते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मनी, तीन भाषाओं का समावेश बेल्जियम जैसे देश में पाया जाता है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। वहां की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, और वहां के रहने वाले जो लोग हैं, जनता है, 80% जनता कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच बोलती है, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हैं, धनी हैं। इसलिए इन दोनों समुदायों के मध्य हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। फ्रेंच और डच के बीच क्या बना रहता है? तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब डच और फ्रेंच समुदाय के बीच तनाव, डच और फ्रेंच समुदाय के बीच तनाव, देखिए 1950 और 1960 के दशक में सामाजिक असमानता, यानी बेल्जियम में 1950 से लेकर के 1960 के दशक में जो समाज था, उस समाज में क्या थी? असमानता थी। कुछ गरीब थे, कुछ शक्तिशाली थे, कुछ धनी थे, कुछ गरीब थे। डच गरीब थे और फ्रेंच वाले क्या थे? अच्छा, आगे देखिए, सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच क्या हो गया? तनाव बढ़ने लगा। यह तनाव एक विशेष समस्या थी जो ब्रुसेल्स में अत्यधिक तीव्र थी। जो राजधानी थी वहां यह समस्या बहुत अधिक थी। किसके बीच? डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव। डच बोलने वाले समूहों की संख्या क्या थी? अधिक थी, परंतु ये धन के मामले में क्या थे? कमजोर थे, शक्तिशाली नहीं थे। शक्तिशाली कौन थे धन के मामले में? समृद्ध फ्रेंच थे। अब बेल्जियम में सामाजिक विविधता, बेल्जियम में सामाजिक विविधता, देखिए बेल्जियम के नेताओं ने, जो बेल्जियम के नेता थे, उन नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अब ध्यान सुनिएगा, जो बेल्जियम के नेता थे वहाँ क्षेत्रीय अंतर भी थे, ठीक, सांस्कृतिक विविधता थी भारत की जैसे, भारत में सांस्कृतिक कल्चर है, अंतर है कल्चर में, उसी प्रकार बेल्जियम में भी कल्चर में अंतर था, विविधता थे। इन सारी चीज़ों को स्वीकार कर वहाँ के नेताओं ने एक अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, ताकि इस समस्या से हम लोग क्या पा सकें? निजात पा सकें। वर्ष 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 एमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। कितने संशोधन किए गए? 4। इन संशोधनों का वर्णन
हम बिंदुवार पढ़ेंगे। पहला संशोधन देखिए, बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था, जो बेल्जियम का संविधान था इस बात का स्पष्ट प्रावधान था कि केंद्रीय सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जो केंद्रीय सरकार हैं, उसमें डच और फ्रेंच भाषी, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, कम या ज्यादा नहीं रहेगी। यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों की जो मंत्री की संख्या होगी वो इक्वल होगी, क्या होगी, समान होगी, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होगा। विशेष रहेगी, विशेष कानून तभी बन सकते हैं, तब हम विशेष कानून बन सकते हैं, बन सकते हैं जब बराबर लोग रहेंगे तो कानून अच्छे तरीके से बनेगा, ताकि बहुमत किस पे होगा, बराबर रहेगा तो जिस पे ज्यादा वोट होगा वो कानून माने कानून बनाया और मतदान करा दिया, तो मतदान में जिस पक्ष में वोट पड़ेगा ज्यादा माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कम है तो कहे भाई हमारे कम थे इसलिए हार गए, लेकिन इधर उधर होंगे नहीं होंगे, बराबर रहेंगे, तो जिधर ज्यादा मत पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो कानून पारित हो ना या हमें पारित हो जाएगा। आगे देखिए, जब दोनों भाषाई के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि संख्या क्या है, बराबर है। दूसरा संविधान, दूसरा संशोधन क्या था, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, जो राज्य सरकार है भारत में भी राज्य सरकार है नहीं है, अरे केंद्र में मोदी सरकार राज्य में, योगी सरकार राज्य में सरकारें हैं, तो यही कह रहा है कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को दे दी गई है, ये संशोधन किया गया। उसके बाद ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जो राजधानी है वह अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदाय फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स में अलग सरकार रहेगी जिसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों लोग बराबर, दोनों लोग दोनों भाषाओं के बराबर प्रतिनिधि होंगे। और चौथा संशोधन क्या हुआ, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बेल्जियम में सरकारी सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये इतने चार क्या किए गए संशोधन, क्यों किए गए, ताकि वहाँ बेल्जियम में समरसता बनी रहे, तनाव खत्म हो और धीरे धीरे व्यवस्था क्या हो, संचालन, शासन संचालन अच्छे तरीके से चल सके, और जितनी भी संस्थाएं हैं वह अपने आप में साझेदारी करके कार्य करना प्रारंभ कर दें। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही, इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर क्या कर दिया, विराम लगा दिया, रोक दिया, अब गृह युद्ध नहीं हुआ क्योंकि तनाव खत्म हो गया, अब आपस में लोग लड़ते नहीं थे। दो प्रमुख समुदाय और वंश के बीच नागरिक संघर्ष होने से भी रोका गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह देश एकजुट बना रहा। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर के यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, तब ब्रुसेल्स को उसका क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया। अब हो गया बेल्जियम, अगले चैप्टर में अगले टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका, यानी श्रीलंका में किस प्रकार सच्चा की साझेदारी की गई, ये सारी चीजों को अब हम लोग क्या कब पढ़ेंगे।